चंद्रयान 2 के बाद अब इसरो और भारतीय वायुसेना गगनयान मिशन पर लग गए हैं। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 टेस्ट पायलटों का चयन किया है। भारतीय वायुसेना ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का पहला चरण पूरा कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि सभी चयनित 10 टेस्ट पायलटों के सेहत की इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में जांच की गई है। कठिन शारीरिक टेस्ट, प्रयोगशाला में जांच, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट और मनोवैज्ञानिक जांच में सभी 10 पायलट पास हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने शुरुआत में कुल 25 पायलटों का चयन किया था। इनमें से पहला चरण सिर्फ 10 पायलट ही पार कर पाए। अब 2022 में इसरो अंतरिक्ष में 3 भारतीयों को 7 दिन के लिए भेजेगा। इसरो और भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट में मिलकर काम कर रहे हैं। वायुसेना अपने पायलटों में से चयन करके 3 अंतरिक्ष यात्री इसरो को देगी। इसके बाद इसरो उन्हें ट्रेनिंग देगा। बताया ये जा रहा है कि पायलटों की ट्रेनिंग में रूस भी भारत की मदद कर सकता है। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए नवंबर के बाद उन्हें रूस भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।